नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम फी क्या है, टोटल कास्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर Facebook पे देख रहे हो तो हमें फॉलो भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि सबसे पहले अगर अप्लाई करने की डेट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वैकेंसी है उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर यानी कि JEE की जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको पोस्ट कौन सी रहेगी तो आप यहां पे पोस्ट भी देख सकते हो, केमिकल सुपरवाइज़र एंड जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो आप यहां पर देख सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको सैलरी कितनी मिलेगी, दोस्तों सबसे पहले सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहां पे मिल जाएगी 44,900 की आसपास और उसके लिए आपको एज का क्राइटेरिया भी आप यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये वैकेंसी कहाँ की है तो ये सिर्फ अलग अलग वैकेंसी है, 7,951 वैकेंसी दोस्तों टोटल वैकेंसी है, आप यहां पर देख सकते हो। सेकंड दोस्तों आप यहां पर ये देख सकते हो कि उसी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी आप पढ़ सकते हो और सेकंड देखेंगे कि अगर अब फिज़िकल यानी कि विजन स्टैंडर्ड यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा उसमें कौन से स्टैंडर्ड चाहिए तो वो भी स्टैंडर्ड पूरे के पूरे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, आप यहां पर देख सकते हो और ये पढ़ भी सकते हो। सेकंड दोस्तों आपको यहां पे आप देख सकते हो कि उसी के लिए जो एज लिमिट है वो कितनी रहेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा चार्ट है उसमें आप एज जो लिमिट है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पूरे का पूरा ये कोष्टक के पूरा एज रिलेटेड है तो आप यहां पर पढ़ सकते हो। दोस्तों सेकंड है एग्जामिनेशन फ़ी यानी कि फ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो फ़ी कितनी रहेगी तो आप यहां पर देख सकते हो फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहां कितनी फ़ी है और एससी एसटी के लिए कितनी फ़ी है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। 500 रुपीज़ है दोस्तों जनरल के लिए और एससी एसटी के लिए यहाँ 215 रुपीज़ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट अ रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फ़ी एज ए मेंशन अबव, यानी कि ये जो फ़ी है वो आपको रिफंड भी मिल जाएगी, यानी कि आपको स्टेज वन CBT क्वालिफाई एग्जामिनेशन आप अटेंड की होनी चाहिए। मोर ऑफ कौन से मोड से आप पेमेंट अप्लाई कर सकते हो यानी कि आप फी भर सकते हो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सेकंड दोस्तों ये रिफंड की जो प्रोसेस है वो सारे की सारे प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। सेकंड दोस्तों ये जनरल इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो या फिर इसको आपको पढ़ना है यानी कि अगर PDF फाइल डाउनलोड करना है तो आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट है दोस्तों उसको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपको RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की, उस वैकेंसी पे आपको क्लिक करके ये PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। रिक्रूटमेंट के जो दोस्तों प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्टेज वन स्टेज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगी। CBT 1 के लिए जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों वो 19 मिनट्स रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते, 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उसका सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। स्टेज 2 रहेगा दोस्तों वो भी आप उसका भी टाइम आप देख सकते हो, क्वेश्चन कितने 115 क्वेश्चन रहेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी के लिए जो सिलेबस का बेस है वो कौन कौन से सिलेबस डिफरेंट टॉपिक से आपको यहाँ पर सिलेबस CBT 2 के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो कितने क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों बात करें क्वालिफिकेशन की दोस्तों तो अलग जो यहाँ पे स्टेज दिया है एग्ज़ाम ग्रुप में
उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो पूरे का पूरा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि सबसे पहले आपको ये 1, 2, 3 और 4 जो कोष्टक है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों उसके लिए आपको लिस्ट ऑफ आरआरबी की वेबसाइट को ओपन करना होगा, यानी कि जहाँ से भी हो आपको जो वेबसाइट, अगर आप गुजरात से हो तो rrbahemdabad.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ के फिर आप फॉर्म के लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अगर क्वालिफिकेशन आप बेस हो यानी कि आपने उसी की स्टडी की है दोस्तों, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जनरल इंट्रक्शन है दोस्तों, आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। जोन वाइज है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट जोन है इंडिया के, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पीडीएफ फाइल में दी है, जो आप यहां पर देख सकते हो। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो ये जो नेम ऑफ द पोस्ट है उसमें लेवल और लेवल इन 7 CPC और डिपार्टमेंट कौन सा है, वो पूरा डिपार्टमेंट भी आप यहां पर देख सकते हो। उसी के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दोस्तों वैकेंसी करें कितनी वैकेंसी है, तो आप इस टेबल में टोटल कितनी वैकेंसी है और वो भी कास्ट वाइज, जो उसको कास्ट वाइज कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। URSC ST OBC EWS और टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी आप यहां पर इस कोष्टक में आप यहां पर देख सकते हो, डिपार्टमेंट वाइज, नेम ऑफ पोस्ट वाइज और जोन वाइज। पूरे इंडिया का स्टेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आप कितनी वैकेंसी है वो भी आप यहां पर देख सकते हो। पूरे स्टेट वाइज है दोस्तों, आपको यहां पे स्टेट भी जोन वाइज दिख जाएगा, सिकंदराबाद, उसके बाद पूरे स्टेट के जो जोन होते हैं रेलवे के, उसे जोन पे डिफरेंट डिफरेंट जोन पे आप यहाँ पे देख सकते हो। RRB यहाँ पे रांची, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो जोन होते हैं रेलवे के, उसी बेस पे आपको वैकेंसी देख सकते हो। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगेगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब